हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। फ्रेंड्स, आज का प्रॉफिट मैं शेयर कर लेता हूं आपके साथ और इसके साथ साथ लॉजिक भी आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड, पहले प्रॉफिट दिखा देता हूं। तो प्रॉफिट फ्रेंड आप यहां पे देख सकते हैं, 4,086 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। पहली ट्रेड में, मॉर्निंग ट्रेड में 11,731 रुपये का लॉस हुआ। फिर सेकेंड ट्रेड में 15,817 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हालांकि फ्रेंड बता देता हूँ, 33,800 वाली जो पुट है ऊपर वाली, जिसमें 11,700 का लॉस है, यहाँ पे प्रिडिक्शन मैंने सही करी थी कि मार्केट यहाँ पे डाउन जाने वाली है। पर हुआ क्या, इंट्री मेरी यहाँ पे गलत पॉइंट पे इंट्री हो गई। और दूसरा, जो एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस थे, आपको चार्ट पे बताता हूँ, जो एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस थे उनको भी मार्केट ने क्रॉस कर लिया। तो फ्रेंड्स, मार्केट सुपीरियर है, इसके आगे हम स्टैंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लॉस लेके मैं निकल गया। हालांकि प्रिडिक्शन सही थी, फिर उसके बाद दोबारा से मैंने यही ट्रेड लिया और यहाँ पे 15,800 रुपये का मैंने प्रॉफिट बना लिया। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं कि किन पॉइंट पे मैंने ट्रेड ली थी। तो फ्रेंड, यहाँ पे 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को वॉच करिए फ्रेंड्स, जो फ्रेंड ये ग्रीन कलर की लाइन ये वाली दिखाई दे रही है, सेकंड फर्स्ट जो फॉर्म हुई है ये रेड कलर की कैंडल, सेकंड ग्रीन, और थर्ड जो ये थर्ड ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। और हुआ क्या, इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था 880 का, और दूसरा जो एक्सट्रीम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं 927 का था। तो 880 को तो इसने क्रॉस कर लिया, तो फिर भी मैं वेट करता रहा कि 927 को हो सकता है क्रॉस ना करे। इसे 927 को भी क्रॉस कर लिया, फिर 927 के नीचे आया, तो एक होप बनी कि हो सकता है कि अब ये डाउनफॉल यहाँ पे दिखाए। पर इसे वहाँ पे क्या किया, 927 को दोबारा से रिक्लेम करके 956 का वहाँ पे हाई बना दिया। यहाँ पे अगर आप इसका हाई देखेंगे, इसी का चार्ट पे देख सकते हैं, 33956 का हाई बना दिया। फिर भी मैं वेट करता रहा कि हो सकता है, पर जो सेकंड कैंडल है, जब इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे मुझे एग्ज़िट लेनी पड़ी, क्योंकि इसने हाई यहाँ पे 962 का बना दिया। और मार्केट यहाँ पे एक तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, अनसर्टेन हो गई है, क्योंकि 33962 के बाद अगर ये मोमेंट दिखाता तो सीधे 3450 और 3400 तक की मोमेंट यहाँ पे दिखा सकता था, जिसमें कि काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता था। इसीलिए समझदारी इसी में थी कि 11,000 का लॉस लेके यहाँ पे निकल लो। तो सेकंड ट्रेड मैंने फ्रेंड्स इसी कैंडल में ली, जब ये यहाँ पे 950 के नीचे ट्रेड करना इसने स्टार्ट करा, तो सेकंड मैंने पोजीशन इसमें बना ली। और उसके बाद ये रेड कलर की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, जिसमें कि हालांकि मैं होल्ड करता तो और ज़्यादा बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता था। पर फ्रेंड, मेरी एक मैंने रूल बना के रखा है, जैसे कि लॉस हो गया है 11,000 का, तो मेरा लॉस यहाँ पर रिकवर हो रहा है और उसके साथ साथ 4,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो मेरी ओपिनियन है फ्रेंड, आप एग्री करें नहीं करें वो आप पे डिपेंड करता है, कि पहले अपना लॉस रिकवर कर लो, और मार्केट उसके साथ साथ प्रॉफिट दे रही है तो रिस्पेक्टफुली उस प्रॉफिट को ले लो। क्योंकि होता क्या है, जब 15,000 का प्रॉफिट मार्केट दे रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर मेरा लॉस नहीं हुआ होता तो मैं होल्ड भी कर लेता इसे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मार्केट सडन रिवर्सल भी वहाँ पे दे देता है और 15,000 का जो प्रॉफिट है, हो सकता है 5-6,000 ही रह जाता और ओवरऑल जो है मेरी क्लोजिंग वहाँ पे नेगेटिव में ही रह जाती। इसीलिए समझदारी इसी में ही है, 4,000 का प्रॉफिट मिल रहा था तो 4,000 का प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल गए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं फ्राइडे का सेशन है, ज़्यादा मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ क्योंकि हाई प्रीमियम होता है। तो आज के दिन बस इतनी ही ट्रेडिंग है, हो सकता है एक आध छोटी मोटी ट्रेड में ले लूँ तो लास्ट में मैं अपडेट कर दूँगा अगर मैं लेता हूँ, वरना इतना ही है आज के लिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।